Hola guys, so in this video we are going to make cover page. Like I was having an encyclopedia, so I'm gonna make for it. So let's start it. So ये है वो encyclopedia जिसके लिए मैं cover page बनाने वाली हूँ. And ये थोड़ी size में थोड़ी छोटी है. आप अपने book या फिर जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं. तो यहाँ पर इसकी length और breadth मैं आपको बता देती हूँ. Length is 15 and breadth is about 12. So हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. मेरे पास इसका एक कवर था तो फिर मैंने इसका कवर लिया है क्योंकि थोड़ा सा फट गया था. तो फिर मैंने सोचा इसी को रिपेयर करते हैं, इसी में कवर पेज बनाएंगे तो फिर ये भी सही सलामत वापस आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. ओके सो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे चार्ट पेपर्स हैं. तो मैंने यहाँ पे पहले मार्क करूँगी. मैं लूँगी 1 सेंटीमीटर एंड ऐसे मैं 10 to 15 मार्क कर लूँगी क्योंकि मेरी जो इंसाइक्लोपीडिया या फिर डायरी या फिर कुछ भी कह लो उसकी लेंथ इतनी ही है. आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को. एंड आप उसकी विड्थ या तो 1 से 2 रखिएगा, ज़्यादा मत मोटी करिएगा नहीं तो वो अच्छा नहीं रहेगा. सो अभी मैं इसमें लाइन आउट करके इसे कट कर लूँगी. सो मैंने कुछ इस तरह की स्ट्राइप्स कट आउट कर ली हैं. आप अपने मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हैं. मैं येलो की भी इसी तरह से कर लेती हूँ. मैंने 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रिथ ली है. लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा और नंबर ऑफ स्ट्राइप्स भी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. वेल मेरे लिए 10x10 ओके ओके है. सो मैं उसी को यूज़ करूँगी. सो यहाँ पर मैंने इसका कवर ले लिया है. अब इनके ऊपर ग्लू अप्लाई करके स्ट्राइप्स लगाऊँगी मैं. सो स्ट्राइप्स लगाते हैं इसके ऊपर. सो बहुत आराम आराम से इसमें स्ट्राइप्स लगा देते हैं ताकि वो स्ट्रेट आए. एंड देन आफ्टर सारी जब स्ट्राइप्स लग जाएँ तो फिर हम लोग दूसरी साइड से भी इनको अप्लाई कर देंगे. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी इसको अच्छे से दोनों साइड से अप्लाई कर लिया है. सो अब हम लोग एक ब्यूटीफुल सा चेक मार्क टाइप का डिज़ाइन देंगे. पहले इन सबको अच्छे से एक बार लाइन पे ले आते हैं फोल्ड करते हुए. सो नाउ इज़ द टाइम फॉर द चेक मार्क डिज़ाइन. एंड आप इसको बहुत धीरे धीरे आराम से क्या करेंगे हम कि ये जो ब्लू वाली स्ट्राइप है इसको एक येलो वाली स्ट्राइप से ओवरलैप करेंगे और एक के नीचे से लेके जाएंगे जिससे बहुत ब्यूटीफुल सा चेक मार्क डिज़ाइन आएगा. आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन में हो रहा है वैसे ही आपको भी करना है. सो द सेम यू कैन सी इट हियर. अभी से चेक वाला डिज़ाइन आने लग गया है तो बस आपको ऐसे ही करना है. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों में सेम साइड टाइप का डिज़ाइन नहीं करना है और लास्ट में ऐसा लुक आएगा कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा एंड जिसके स्ट्राइप्स आप पीछे की तरफ को पेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.